आगरा शहीद नगर स्थित श्रीराम फार्मा हाउस के बाहर टेंट के लगे गेट में करंट आने से 14 वर्षीय बच्चे को करंट लग गया। जब बच्चे को छुड़ाया गया तो उसको देखने आई महिला भी करंट से चिपक गई। वहीं महिला को छुड़ाया गया तो इतनी देर में पीछे से आए एक युवक भी करंट से चिपक गया। आनन फानन में तीनों को छुड़ाकर अस्पताल भेजा गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय बच्चे के साथ महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना आपको समझाता हूं। सुबह करीब 11 बजे की घटना है। ये पूरा टेंट का ये लगा हुआ है पिलर, इनमें करंट आया बहुत जबरदस्त। तो ये जो लल्लू लोपीटा रहते हैं बगल में झोपड़ी वाले, इनको लगा बहुत जबरदस्त। तो हम लोग सामने पान का शॉप है हमारा, तो भाग के आए। कुछ लोग यहाँ भी टेंट वाले थे, सब ने उसको खींचा और अंदर लिया, उसकी थुकाई उकाई कर रहे थे। उसी दरमियान उनका बच्चा 14-15 साल का है मनीष, उस बच्चे को पकड़ लिया बत्ती नहीं इसी पिलर से, फिर बच्चे में लात मार के कैसे भी उसको नीचे गिराया, फिर उसकी भी खुनाई काफ़ी की। उसी दरमियान एक महिला देखने के लिए दर्शक थी कोई गली की, वो भी आ गई, उन्होंने भी पिलर को पकड़ लिया। पिलर पकड़ लिया तो उनको भी जो चपेट में बत्ती ने ले लिया। तीनों की काफ़ी हमने मेहनत की, काफ़ी प्रयास किए, लेकिन यह है कि वो लल्लू सेप हैं। महिला और बच्चा की हालत शायद, यहाँ दो डॉक्टर हैं उपाध्याय खुराना, इन्होंने लिया नहीं है अभी, SIN मेडिकल भेजा हुआ है, पुलिस साथ गई है, परिवारी जन गए हैं। तो शायद हम ही सुर से यही कामना करें कि दोनों सुरक्षित और सेफ लौटें। यही मेरिज होम के बाहर की घटना है, बाहर की मैरिज होम के पिलर, मैरिज होम पिलर, ये मैरिज होम के ही पिलर हैं, ये मेन गेट उन्हीं का है, मैरिज होम का ही पिलर है ये। कितने बजे की घटना? ये 11 बजे की, सुबह 11:15 जो भी।